बाबा को बता देना कि उनका बेटा बेघर हो चुका है, कुछ नहीं रहा उसके पास। हाँ हाँ, मैं मर गया सब लोगों के लिए, क्योंकि आप सब मुनाफिक हैं, सब। निजात 6 सितंबर से बुध शब 8 बजे। अच्छा शहनाज, अल्लाह तुम्हें सबर दे, चलते हैं। जा रही हैं आप, रात भी बहुत हो गई है। आराम कर लो, थक गई होगी तुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि रफीक चला गया। मैं सच कहती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा वक्त गुजारा था मैंने उसके साथ। माँ तो कौन कह रहा है कि दुख नहीं है, दुख तो जाहिर है होगा, लेकिन अब थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ देर लेट जाओ। भाभी कुछ चाहिए आपको? जिसका सब कुछ लूट गया हो उसे क्या चाहिए होगा, वो क्या आर्गू करेगा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहां से। सुनो सुल्तान कहाँ है? वो बाहर मर्दों के साथ बैठे थे, अभी सब लोगों के जाने के बाद अंदर आए। अच्छा, सुल्तान से कहो कि शहनाज उसे बुला रही है। इससे कुछ नहीं होगा, घर नहीं संभाल पाएगी ये। खैर रात बहुत हो गई है, मैं चलती हूँ। हाँ सुल्तान भी तो आने वाला है। रानी, आज आज रात मेरे कमरे में सो जाओ। भाभी, भाई कमरे में आराम कर रहे होंगे। सुल्तान तो वहीं बैठक में लेटा लेटा सो गया। चलो सो जाओ। शहनाज उठ गई तो हुआ, तुम बस तुम यहाँ पर हो मेरे पास। हाँ शहनाज, मैं नहीं होना है, और किसने होना है इधर? क्यों, क्या हुआ है? नहीं यहाँ कोई और भी था। नहीं नहीं कोई नहीं था, वहम होगा तेरा। हाँ, कोई था। अरे कुछ नहीं है, थकी हुई है, सो जा तू, सो जा बेटा। अपनी शर्तों पे पाया है वो जिंदगी।
मैं क्या करूं, उजड़ गई है मेरी बच्ची, रफीक के साथ साथ सब कुछ चला गया, सब चला गया। अरे रफीक क्या गया, सारी खुशियां अपने साथ बहा के ले गया, चला गया। अरे लक से कक्की हो गई मेरी बच्ची, अरे अल्लाह। भाभी इस घर की मालकिन है, भाभी ही रहेंगी। हम सब इसी का हुक्म मानेंगे। मेरे प्यारे भाई की निशानी है, अमानत है उसकी, जान से बढ़कर हिफाजत करूंगा मैं उसकी। नहीं सुल्तान ने, मैं जो कुछ भी थी ना वो कल तक थी, मालकिन भी और मलका भी, तो ऐसा लगता है कि मेरे मेरे सर से साया उठ गया, बेघर हो गई हूं मैं, लावारिस। क्यों छोड़ के चले, क्यों रफीक ने सुन किया मुझ पर, क्यों छोड़ कर चला गया। अभी जब तक मैं हूं ना, लावारिस नहीं हो सकते हो। ऐसे मत रो भाभी, मुझे बहुत तकलीफ होती है। काश मैं तुम्हारी खुशियां लौटा सकता हूं। आए मेरी शनाज, बड़ी एहसास है मेरी बच्ची, बिल्कुल एहसास है। इतनी गमजदा पूरी रात रोती रही, रोए जाए। रहने दो सुल्तान, तुम्हारी भी सिर्फ बातें हैं, तुम्हें ख्याल होता एहसास होता तो मेरे बुलाने पर चले आते ना, इतना इंतजार ना कराते। अभी तुमने मुझे बुलाया था, मुझे तो कोई ऐसा पैगाम नहीं मिला। तुम्हारी बेगम साहिबा से कहा था मैंने, सोनिया क्या कह रही है भाभी? भाभी ने कल रात मुझे बुलाया था, क्यों नहीं बताया मुझे? मैं बुलाने के लिए आई थी, तुम सो रहे थे तो जगाया नहीं। सो रहा था, मर तो नहीं गया था, क्यों नहीं बताया मुझे, जगा देती मुझे। इसलिए कि इसने भी सोचा होगा अब इस बेवा की क्या हैसियत इस घर में। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आइंदा भाभी का हुक्म टालने की कोशिश भी मत करना। इस घर पर भाभी का ही हुक्म चलता था और आइंदा भी चलेगा। भाभी तुम्हें इस पर पूरा अख्तियार है, तुम्हारी बात ना माने, जबान दराजी करे तो हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देना, या जो दिल में मर्जी है सजा देना। टांगों में, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, हुआ जरा देखना वहां कोई दवा है। अब देख क्या रही हो, आओ आकर भाभी के पैर दबाओ। भाभी जाओ, मैंने जो भी चाहा सब ही हर तरह।
बाहर कोई लोग आए हैं। दबाना, तो तेरे अंदर जितनी जान है ना उससे ज्यादा लगा। शहजाद, शहजाद आओ बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे तेल लगाऊं, सर में इतनी खुश्की हो रही है तुम्हारे। मुझे तेल नहीं डलवाना, मुझे बाजी से मिलना है। हाँ बेटा, तुम सोनिया से मिले नहीं हो ना, इसलिए इतने उदास हो रहे। मिलवा दूंगी मैं तुम। वो इतने दिनों से मिलने नहीं आई, क्या मैं उन्हें याद भी नहीं आया? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो कामों में इतनी मसरूफ होती है ना, इसलिए नहीं आ सकी। लेकिन पता है वो तुम्हें याद बहुत करती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शहजाद? इरफान भाई, आप मुझे बाजी के पास ले जाएं। इरफान, तुम इसे सोनिया से मिलवा लाना बेटा, बहुत उदास हो रहा है, उससे कब से नहीं मिला है ना। जी। बाजी ने तो कहा था वो मुझे अपने घर ले जाएंगी। बेटा अभी वो तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकते, अभी कुछ दिन तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं सोनिया को फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ उससे, अगर वो एक दो रोज़ में कहती है ना, तुम्हें बुलाती है, तो मैं इरफान के साथ तुम्हें उसके घर भेज दूँगी, तुम मिलकर आ जाना। अब खुश? शहजाद क्रिकेट खेलें? चल। और ओ भाई, बड़े मीठे सेब हैं, खुशबू भी बड़ी शानदार है। अरे बुआ, इस कीमत के सेब है ना, हर साल ऐसे ही खुशबूदार और जायकेदार होते हैं। हाँ हाँ, सही कहा तूने, बड़े महंगे वाले लग रहे हैं सेब तो। पर हम गरीबों के नसीब में ऐसे फल फ्रूट अब कहाँ? अरे रफीक, क्या गया अपने साथ सब कुछ ले गया, मुझे ऐसे कड़ी आंधी में अकेला छोड़ के चला गया, अब मैं क्या करूंगी, कहां से खाऊंगी ये सब? बुआ क्या हो गया तुम्हें? तेरे कौन से रफीक की कमाई से तुम्हारा चूल्हा चलता था? जिसकी कमाई से तुम्हारा चूल्हा जलता है ना, वो जिंदा है अभी। अच्छा पर तेरा हक है गौ? मेरा हक क्यों नहीं है? मेरा हक था और रहेगा। तो अपने घर जाने की तैयारी करो। आह शनाज, कैसी बातें कर रही है, मैं तो तेरे दुख में सदमे में इधर बैठी हूँ कि मेरी बच्ची इतने दुख में अपना घर बार सब छोड़कर और तू कह रही है जा। नाना बुआ, तुम अपना जी हल्का ना करो, तुम आराम से अपने घर जाओ, देख नहीं रहे ये लोग कितना ख्याल रखते हैं मेरा? हाँ अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन ले तू कान खोल के, जैसे तू पहले पैसे भेजती थी ना, पहली से पहली बस बिल्कुल उसी तरह भेजती रहना मुझे पैसे। तू तो अच्छी तरह जानती है कि मेरे घर का चूल्हा ना इमदाद से ही चलता है, वरना मेरे पास आ गया। हाँ बुआ, तुम फिक्र ना करो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम जाने की तैयारी करो। अच्छा ठीक है, ऐसा कर ये एक दो पेटियां मेरे साथ करते। ये है ना, यही ले जाओ बस। ठीक ठीक। हाय मेरी तबीयत ठीक है, मैं आराम करना चाहती हूँ बुआ। Ding, dan, ding, is, and.
अरे बैठो बैठो, कहाँ जा रही है? डर क्यों रही हो? कहाँ थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। ओ ओ, अरे लग जाएगी। सुना है पढ़ाई शुरू कर ली तुमने? ये कुछ नहीं रखा इसमें, पैसे जाया करोगी। घर में रहो, घर के काम काज सीखो। सुगड़ बीवियां पसंद है मुझे, पढ़ी लिखी नहीं, सबक पढ़ाती रहती हैं हर वक्त। ना जाऊं तो तुम इतने कर क्यों नहीं चले जाते? चले जाएंगे जब दिल करेगा। कौन रोके? भाभी नहीं, जाजी हूं मैं। पी भाभी, 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 रानी, भाभी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं रानी से कह रहा था कि मुझे भी पढ़ा दे। इसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि फालतू के लोगों पे जाया करते। तुम्हारी आपा कमरा का जाओ, उनके पास जाकर बैठो। और सुनो, आइंदा इसके आस पास भी दिखाई मत देना। और बताओ, बुआ चली गई तुम्हारी? हाँ चली गई, जाना ही था। घर वालों के क्या हाल है? मेरा मतलब है कि पहली जैसी इज्जत दे रहे हैं तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। फिर मानती हो मुझे? हाँ मानती हूँ, मानती हूँ। ये सारी इज्जत, ये शान सब मेरी वजह से ही तो है। हाँ ये तो है। बोलो ना, कोई और बात करूं? हाँ, अगर सबको पता लग जाता कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है। बस करो, खुदा के लिए लफ्ज जबान पर मत लाओ, परवाओगी मुझे। कुछ ख्याल करो। अशोक तुम्हारे लिए बड़ा परेशान है। तुम फोन क्यों नहीं उठाती उसका? दे उठाना मुझे, फिर करनी बात। कह दो उसे से सुलह हो गई है तो अब क्या परवाह उसको मेरी। उसे उसे कह दो कि शहनाज कोई गिरी पड़ी नहीं है, उसे परवाह नहीं है तो मुझे भी उससे कोई मतलब नहीं है। इसे नहीं कहते शहनाज, दीवाना है वो तुम्हारा। रहने दो। अच्छा मेरी बात सुन, मैं कह रही थी कि फोन में लाती हूँ एक बार। नहीं नहीं, नहीं क्या हूँ क्या तुम्हें, मैं नहीं कर सकती। मेरे घर के हालात देखो, परवाओगी तो मुझे।
यहाँ सबकी सबके कान सबकी नजरें मुझ पर ही रहती हैं। अभी नहीं कर सकती, रात को कर लूंगी। शहजादा ठीक हो ना? तबीयत ठीक रहती है? जी, खाला बहुत ख्याल रखती है। जानती हूँ खाला बहुत ख्याल रखती है तुम। बहुत अच्छा किया जो इसको आज यहाँ ले। मुझे बहुत याद आ रही थी इसकी। आप ही अब मिलने क्यों नहीं आए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। एक मजबूरी थी शहजाद, घर से निकल नहीं सकती थी। लेकिन मुझे पता है कि खाला और इरफान तुम्हारा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं, है ना? अरे तुम ये भी तो बताओ कि तुम कितना अच्छा पढ़ने लगे हो। सोनिया पता है इसने हर टेस्ट में अच्छे नंबर लिए हैं। वाकई? जी तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ऐसे दिल आके पढ़ते हूँ। और तुम्हें पता है बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। सच में बाजी, हम साथ रहेंगे? हाँ, सब इकट्ठे रहेंगे। ऐसा आएगा ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो भाई, ये तुम्हारे खास मेहमान आते हैं तो तुम घर की सारी जिम्मेदारियां भूल जाती हो। क्या हुआ? मेरे भी कुछ मेहमान आए थे बहुत देर पहले, सारे बर्तन चीजें उसी तरह बिखरी हुई। अगर जहमत ना हो तो चीजें उठा लो, कमरा साफ कर दो। अब चले, मैं आती हूँ। लगता है तुम्हारे ये खास मेहमान बहुत देर से आए हुए हैं, काफी देर हो गई है। खाला कैसी है इरफान? उन्हें भी साथ ले आते ना? हाँ, अगली दफा साथ लेके आऊंगा। जरूर लेके आना, बल्कि अगली दफा तो शहजादी ही होगा। कुछ खाओगे? नहीं, चाय भी नहीं पी शहजाद। दिन कैसा गुजरा? गुजर गया बस। चुड़ैल तेरा पत्ता तो मैं काटती हूँ। जो ख्वाब देख रही है ना तुम मुमकिन बनने के, अरे तुझे तो मैं नौकरानी भी नहीं रखूंगी। पानी गरम है ना, नहा लूंगा पहले। खाना तो खा लो। अरे नहीं, पहले नहा लूंगा फिर खाना खा लो। भाभी कहाँ? अपने कमरे में हूँ। सारा दिन अपने कमरे में अकेली पड़ी है, बाहर बुला लिया करो। तुमसे रानी से बातचीत हो जाएगी, थोड़ा दिल बहल जाएगा ना उसका। ख्याल किया करो उसका, बड़े सदमे से गुजर रही है। सफूरा है ना, वो आ जाती है उनके पास मिलने, और बुआ भी चक्कर लगाती रहती, उनके फोन भी आते ही रहते हैं, तो अकेली नहीं रहती, मसरूफ ही रहती। मैं भाभी को सलाम कराती हूँ, आता हूँ। आ जाओ। सलाम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? क्या हुआ है भाभी? कुछ नहीं, सब ठीक है। सर में दर्द है, दवाई ली थी? जिस दर्द से मैं गुजर रही हूं ना, छोटी मोटी तकलीफें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
तुम्हारा भाई नहीं रहा, मर गया। और मैं अभी तक जिंदा हूं, सब जानूंगा। अभी उठो ना, आओ सबके साथ बैठो ना। खाना खाया? खाना तो खाया होगा। नहीं, खाना भूल गई शायद। तुम्हारी बीवी के मिलने वाले आते हैं ना, तो उसको फुर्सत ही नहीं मिलती, शायद भूल गई होगी। मैं खा लूंगी। उसके मिलने वाले? हाँ, वो उसकी खाला का बेटा है ना, वो जब आता है तो उसको होश ही नहीं रहता। कोई बात नहीं सुल्तान, तुम्हें पता है तुम्हारे बड़ा भाई जिंदा था ना, तो इस घर की दीवारें ये ऊंची थी और दरवाजा मजबूत। जब से इस घर का रखवाला गया है ना, समझो दीवारें ढह गई है। और दरवाजा, दरवाजा तो जैसे सबके खुल गया। भाभी मैं जरा आता हूं। जाजी, ना हर वक्त इस मनुष्य मोबाइल में लगा रहता है। चल उठ जाकर मुझे सब्जी ला कर दे, खाना बनाना है। हर वक्त इसके साथ लगा होता है, जा। अच्छा जा रहा हूँ, चिल्ला क्यों रही हो यार? हाँ तो उठ ना, जल्दी लेकर आ सब्जी, अच्छी अच्छी लाना। अच्छा ला रहा हूँ, मॉडलिंग करानी है सब्जियों से, इन्होंने अच्छी अच्छी लाना। आ गई मुसीबत। आए बुआ, ये क्या हो गया? कैसे कयामत बीत गई मेरी बाजी पर? किसकी नजर खा गई मेरी बाजी की खुशियों को? कहां से आ गई? हाँ बुआ, तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसी खबर सुन के मैं बैठी रहती क्या? हाँ, मेरा तो कलेजा ही फटा जा रहा है। मेरा सुल्तान अकेला रह गया, उसका भाई रुखसत हो गया। चंडालन, तुझे अपनी बहन का दुख नहीं है? तुझे ये फिक्र खा रही है कि सुल्तान अकेला रह गया? मर, बाजी के लिए दुखी होने वाले तो तुम लोग हो। सुल्तान अकेला रह गया है, उससे सहारे की जरूरत है, उसके लिए आई हूं मैं। और बस, अब मैं वापस नहीं जाने वाली। तुम ना चलो मेरे साथ। किधर? सुल्तान के घर। और किधर? चलो, नई कहानी शुरू हो रही है। तुम ना तो बकवास मत करो, मैं सामान रख के आ रही हूँ, चलो मेरे साथ। आपको कहा था मैंने, ये नई कहानी शुरू हो रही है, समझ रही है? यही खैर करे, अब सब्जी लाऊंगे रहने दो।
भाभी। हाँ भाभी, इस सवाल की समझ नहीं आ रही, आप समझा देंगी? अभी नहीं रानी, अभी बहुत सारे काम हैं। तुम्हारे भाई आ गए, उनके लिए रोटियाँ ही बनानी है, और भाभी को चाय देनी है, ये कपड़े सब गंदे पड़े हैं, इनको भी धोना है। रात में पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। सोनिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि भाभी की खिदमत में कोई कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मेरी बात कोई सुनो तो बात है ना, अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगी, तुम पहले ही बता रहा हूं मैं। सुल्तान, हुआ क्या? अरे हुआ क्या, ये मैं बताऊंगा, मुझसे पूछ रही हो तुम? हाँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, फिर भी तुम आकर चिल्लाने लगते हो मुझ पे। देखो भाभी तुमसे खुश नहीं है, तुम उनका ख्याल नहीं रखती हो। अगर अगर मैके से कोई आ जाता है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां भूल जाओ। अच्छा, तो मेरे भाई का आना बुरा लग रहा है, वो मासूम क्यों खटकता है उन्हें? कौन भाई वो? शहजाद कहां से बीच में आ गया? शहजाद ही तो आया था। सुल्तान देखो, तुम्हारा ऐसे भाभी के कमरे में जाना मुनासिब नहीं है, और तुम उनके लिए नामहरम। बेहतरी इसी में है कि वो अपनी अपनी बुआ के घर रहने चली जाए। भाभी तो कहीं नहीं जाएगी, भाभी तो यहीं रहेगी। हाँ, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा कि उसके कमरे में ना जाऊं, लेकिन तुमसे मुझे आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उनका ख्याल रखा करो बस, चाहे जितनी भी कोशिश करो, शहनाज बेगम की शिकायतें कभी दूर नहीं। देख रही हो उसे? बंदा इस घर में कोई बात नहीं कर सकता, बात हुई नहीं के मुंह बनाया और चल दी। भाभी के दुख का जरा सा भी एहसास नहीं है उसको, सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती है घर में। भाभी के पास जरा देर जाकर नहीं बैठ, तू पता है भाभी सुबह से भूखी है, कुछ खाया नहीं उन्होंने। भाई मैं खुद रोटी देके गई थी, वहां जाजी बुआ और पूरा पापा भी बैठे हुए थे। मुझे लगता है बड़ी भाभी के हिस्से की रोटी भी उन्होंने खा ली थी, और भाई वैसे भी छोटी भाभी को बैठने की सारा दिन फुर्सत ही कहाँ होती है। मैं देख रहा हूँ तुम सोनिया की बहुत ज्यादा हिमायत नहीं करने लगी। बंदा सारा दिन सर खपा के पता नहीं क्या क्या करके घर आता है, किस लिए? सुकून के लिए। लेकिन जिसकी ऐसी बीवी हो ना, उसको सुकून क्या खाक नसीब होगा? छह दिन सर खपा के पता नहीं क्या क्या करके घर आता है, किस लिए? सुकून के लिए। लेकिन जिसकी ऐसी बीवी हो ना, उसको सुकून क्या खाक नसीब होगा? छह